हमारे लिए ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर हमारे आईएएस अधिकारी यानी आईएएस के लिए जिन अधिकारियों का सिलेक्शन होता है वे इतना वेतन पाते हैं। जी हाँ, आईएएस अधिकारियों को देश का नया राजा कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि कलेक्टर को उस जिले का राजा माना जाता है, उसके आदेश ही सर्वोपरि होते हैं। यही वजह है कि कलेक्टर बनने के लिए अधिकारियों में होड़ मची रहती है। यदि किसी को कलेक्टर पद से हटाया जाता है और कहीं विभाग में भेज दिया जाता है तो उसे पदोन्नति की बजाय यह माना जाता है कि उसकी अवनति हुई है। हमारे लिए यह भी जानना दिलचस्प होगा कि आखिर इन अधिकारियों को कितना पैसा मिलता है। जब अधिकारी का चयन होता है आईएएस अधिकारी का, तो एसडीएम के रूप में उसे मिलते हैं 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, और लगभग 23,000 रुपए उसे अतिरिक्त भत्ते के रूप में मिलते हैं। जब कलेक्टर के रूप में उसका चयन होता है तो उसे सैलरी मिलती है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में, और उसे जो भत्ता मिलता है वो लगभग 30,000 रुपये होता है। जब किसी विभाग विशेष का सचिव बनता है अधिकारी तो उसकी सैलरी 1.25 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक हो जाती है, और इसके बाद अधिकारी यदि प्रमुख सचिव बनता है तो उसे 2.5 लाख रुपए तक वेतन प्राप्त होता है और भत्ते के रूप में 40,000 रुपये। इसी तरह मुख्य सचिव के रूप में अगर अधिकारी काम करता है तो उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये, और उसे लगभग 50,000 रुपये भत्ते के रूप में मिलते हैं। तो ये है 7वें वेतन आयोग के बाद जो अधिकारियों को फायदा मिलता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईएएस अधिकारी ईमानदार रहते हैं वे तो पूरी तरह से वेतन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कई अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो लाखों करोड़ों के आसामी बन जाते हैं। और इस तरह के कई प्रकरण हमारे मध्य प्रदेश में भी हुए हैं जिनमें टीनू आनंद जोशी और कई अधिकारी हैं जिनके पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति पाई गई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।